एल्कीन के बारे में स्टडी करेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, पेन आ गया। चलिए, एल्केन की स्टडी हो गई है ना, एल्कीन का स्टडी करेंगे। तो एल्कीन में क्या होता है, इसका पहले फार्मूला होता है CnH2n, है ना। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n। CnH2n इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखेंगे CnH2n एल्किन का। तो देखिए एल्किन में क्या होगा, जनरली डबल बॉन्ड होगा, दो कार्बन के बीच जो है कहीं पे किसी चेन में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो वो समझेंगे कि क्या है, एल्किन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या होगा, वो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा दो कार्बन के बीच में तो एल्काइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको मिथाइलिन बोलते हैं या भी नाइल बोलते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। इसमें पहला जो रूल है, पहला रूल क्या है, फर्स्ट वी डिटेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को डिटेक्ट करेंगे, टेकिंग ऑल डबल बॉन्ड्स इफ पॉसिबल। जितना डबल बॉन्ड होगा ना सबको लेना है उसमें, ठीक है। फर्स्ट वी अप्लाई द नियरेस्ट रूल, सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, नियरेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, यदि नियरेस्ट रूल जो है फेल कर जाए, है ना, फॉर एल्कीन, देन वी अप्लाई द नियरेस्ट रूल फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो सब नियरेस्ट अगर रूल फेल कर जाए एल्कीन्स के लिए तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, और देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ रूल इज फेल्योर, थ्री नंबर, तो ऊपर जितना भी नंबर, तीन नंबर दिया गया है, अगर फेल्योर कर जाए, वी अप्लाई द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। एल्कीन में भी देखे थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल पे आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है कि CH2, CH, CH2, CH3। यहाँ देखिए CH आया, क्यों आया CH, कार्बन चार बंधन बनाता है ना, क्यों, कार्बन की वैलेंसी चार होती है। यहाँ डबल बंधन हो गया दो, यहाँ एक तीन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया चार, बात समझ मारी। देखिए यहाँ पे CH2 आया, क्यों, दो हाइड्रोजन हो गया और दो बंधन हो गया, चार बंधन हो गया। सबसे लंबा चेन तो यही है, सिंगल चेन है, ठीक है। अब देखिए इस तरफ से नहीं चलेंगे, दाएं तरफ से नहीं चलेंगे, दाएं तरफ से अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एल्कीन यहाँ पे डबल बॉन्ड बाएं तरफ से चलने पे नज़दीक में आ रहा है, ठीक है। तो बाएं तरफ से चलेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, नंबरिंग कर दिए। अब देखिए एक नंबर पे जो है इसको क्या हो जाएगा, 1-butene लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, है ना, इसको लिखेंगे क्या, 1-butene। और क्या लिख सकते हैं, बट लिखा हुआ है, BUT, ब्यूट सुधार लीजिएगा, BUT1-ene कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, BUT1-ene कर सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, सिर्फ ब्यूटीन या ब्यूटेन, एन लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे ब्यूटेन और 1-ene, कुछ भी लिखा है, चारों तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस एग्जांपल में आइए, इसमें देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो कहीं से चल सकते हैं, दाएं तरफ से भी चल सकते हैं और इसमें बाएं तरफ से भी चल सकते हैं, क्यों, बात बराबर होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, नामकरण एक ही बनेगा, एक और तीन पे ही बनेगा, है ना, 1, 2, 3, तीन नंबर पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है,
यहाँ पे एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको लिखेंगे 1,3-butadiene, क्या करेंगे ब्यूटाडाइन, और क्या लिख सकते हैं ब्यूटेन है ना, 1,3-diene है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो देखिए इस तरफ से दाएं तरफ से गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर बाईं तरफ से करते हैं तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे आएगा। तो किस तरफ से चलेंगे, काउंटिंग करना होगा बाईं तरफ से, ठीक है 1, 2, 3, 4 है ना, तो 4 नंबर पे 4 लिख दिए, डबल बॉन्ड है। और कितना है 11 कार्बन है ना, तो क्या होगा 11 क्या होता है अनडेक होता है, क्या होता है अनडेक, क्या लिखेंगे अनडेकीन, 4 अनडेकीन, ठीक है इसको बनाते हैं। यहाँ भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो किस तरफ से चलेंगे, अगर हम बाईं तरफ से चलते हैं एक नंबर पे डबल बॉन्ड हो गया, 2, 3, 4, 5 फिर 5 नंबर पे हमको डबल बॉन्ड मिलेगा, 6 फिर 7 पे मिलेगा, ठीक है बाईं तरफ से कितने कितने पे मिला, 1 पे 4 पे है ना, 1, 2, 3, 4 4 पे 1, 4 एंड 7। अगर हम दाईं तरफ से चलते हैं तो 1, 2, 3 1 और 3 पे मिल रहा है ना, तो किस तरफ से चलेंगे, अगर हम बाएं तरफ से चलेंगे तो क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है और दाएं तरफ से चलेंगे तो क्या हो जाएगी सही हो जाएगी, तो हम बाएं तरफ से ही चलेंगे। नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबरिंग हो गया। अब एक नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड, क्या लिखेंगे 1, 3, 6 है ना, पहले क्या लिखते हैं 7 कार्बन का बना हुआ है तो हेप्टा और 3 का क्या होता है ट्राई इन, डबल बॉन्ड का इन है ना, हेप्टा ट्राई इन, यहाँ पे अनडेकिन 4 अनडेकिन, अनडेक मतलब होता है 1 है तो नहीं लिखा वहाँ पे है ना, मोनो नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटा देखें यहाँ पे 2 है तो ब्यूटा डाइन लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 है तो हेप्टा ट्राई इन लिखा है, ठीक है इसमें आते हैं। अगर ये वाला चलते हैं तो ये सिंगल सबसे सिंगल बॉन्ड है ना, सबसे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये तो हो नहीं पाएगा, हमको डबल बॉन्ड लेना है तो हम इस तरफ से लेंगे, ठीक है अगर इस तरफ से कहाँ चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे ठीक है या इस तरफ चलेंगे, दो बातें हैं, दो रास्ता है, या तो हम चलेंगे तो इस तरफ दाएँ तरफ चलेंगे या फिर बाएँ तरफ चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे लंबे चैन को सिलेक्ट करेंगे, सबसे लंबा चैन हमको किस तरफ मिलेगा, ठीक है तो अगर हम बाएं तरफ चलते हैं तो 1, 2, 3, 4 चार कार्बन मिल रही है, और अगर हम दाएं तरफ चलते हैं ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन मिल रही है, तो किस तरफ से चलेंगे, दाएं तरफ चलेंगे, ठीक है इसको डिलीट करता हूँ मैं, कुछ कमा कुछ हुआ फायदा, देखें कोई फायदा नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्या था पता नहीं, चलिए तो हम लोग किस तरफ चलेंगे, दाएं तरफ से चलेंगे, ठीक है हाँ तो दाएं तरफ चलेंगे तो गिनती कीजिए, गिनती किस तरफ से करेंगे, सब तो सिंगल बॉन्ड ही ऊपर है तो यहीं से डबल बॉन्ड मिल रहा है नज़दीक में, यहीं से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो देखिए 2 नंबर पर हमको क्या है इथाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ लिखेंगे
टू इथाइल लिख दिया, दो इथाइल, ये इथाइल ग्रुप था तो दो इथाइल लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, एक नंबर पे डबल बॉन्ड क्या लिखेंगे, डैश वन डैश, है ना, कर दिया। और फिर क्या है, पांच कार्बन का है तो पांच कार्बन क्या होता है, पेंट एक ही है, इन लगा देंगे सिर्फ पेंटिन, दो रहता तो पेंट पेंटा डाइन हो जाता, तीन रहता तो पेंटा ट्राइन हो जाता, बात समझ में। यहाँ देखिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो बताइए किस तरफ से चलेंगे, कि यहाँ भी डबल बॉन्ड है ना, बहुत दिक्कत वाली बात है, तीन तीन डबल बॉन्ड है, अगर चल सकते हैं तो कहीं एक ही तरफ चल जाएंगे, एक डबल बॉन्ड छूट जाएगा, कोई बात नहीं छूटने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो गिनती करेंगे सबसे लंबा चैन को, तो सबसे लंबा चैन तो यही पड़ेगा, और देखिए यहाँ से चलते हैं वन टू थ्री, बात बराबर पड़ेगा, यहाँ चलते हैं वन टू थ्री, बात बराबर है ना, कि एक नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड, थ्री नंबर पे भी ये भी चीज मिल रहा है जो भी हो, यहाँ पे क्या है, हाँ एक नंबर पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे तीन नंबर पे भी ये चीज़ मिल रही। इसको भी बताया था सबसे स्टार्टिंग में, है ना, मिथाइलिन बताया था या फिर विनाइल करके कुछ बताया था, देखिए तो देखिए अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में हो ये चीज़ें तो यहाँ पे बात आई थी स्टार्टिंग में, देखिए है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, विनाइल या फिर मिथाइलिन, ठीक है, बताया था स्टार्टिंग में, यही इसी पे अभी नामकरण आया है, ठीक है, तो याद रखिएगा मिथाइलिन या विनाइल। तो आइए अपनी जगह पे, यहीं पे थे ना, तो क्या बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे या फिर मिथाइलिन बोलेंगे, ठीक है, तो तीन नंबर पे है तो तीन नंबर पे क्या लिखेंगे, थ्री मिथाइलिन, है ना, क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइलिन, और फिर एक नंबर और चार नंबर पे डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, वन फोर, है ना, वन फोर डैश दे दीजिएगा, कितना कार्बन है, पांच कार्बन, तो पेंटा दो डबल बॉन्ड है ना, तो डाई डबल बॉन्ड का इन, है ना, क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइलिन वन फोर पेंटा डाई इन, ठीक है, इसमें आते हैं, यहाँ पर देखिए इथाइल है, इथाइल है, ठीक है, यहाँ सी एच टू, इसका यहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, सी एच टू, सी एच टू, और क्या हो सकता है, सी एच थ्री हो सकता है ना, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं, डबल बॉन्ड चूँकि यहाँ पे है तो हम लोग का जो नॉर्मल क्रिएचर इसी तरफ जाएगा, ठीक है, सीधा जाएगा, यही जाएगा सबसे लंबा चेन ही हो जाएगा। तो अब गिनती करते हैं, किस तरफ से गिनती करेंगे, बाएँ तरफ से या दाएँ तरफ से, अगर हम दाएँ तरफ से लेते हैं तो वन टू, दो नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा, और अगर हम बाएं तरफ से लेते हैं तो वन नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये तो वन टू थ्री, वन टू, देखिए ये रूल जो इथाइल वाला जो है ना, जो इथाइल वाला है, कब लेते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नज़दीक पड़ रहा है किस तरफ से, अभी तो यहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है, अगर ये बीच में होता, ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये वाला जो है यहाँ होता एक नंबर पे, तो किस तरह से चलते हैं, इसी तरफ से चलते हैं, क्यों, कि वन टू थ्री, थ्री नंबर पे ये मिल जाता हमको, इथाइल ग्रुप मिल जाता, ठीक है, और इस तरफ से चलते हैं तो वन टू थ्री, फोर फोर नंबर पे इथाइल ग्रुप मिलता, तभी भी हम इसी तरफ से चलते हैं, है ना, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ भी होती तभी भी हम यहीं से चलते हैं बाएँ तरफ से, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर हो गया, ये तो बराबर है, लेकिन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो नज़दीक आ रहा है किस तरफ से, बाएं तरफ से, अगर इस तरफ से चलते तो ये गलत हो जाता, ठीक है, अभी भी गलत है, और अगर ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे एक नंबर में नंबर पे भी होता तो भी क्या होती, गलत होती, क्यों गलत होती, दाएं तरफ से चलने में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है हमको बाएं तरफ से नज़दीक आ रहा था, ठीक है, तो हम बाएं तरफ से ही काउंटिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तीन नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो थ्री इथाइल लिख दिया, यहाँ थ्री इथाइल है, ठीक है, और क्या है, दो डबल बॉन्ड है, कितने कितने नंबर पे, एक नंबर पे डबल बॉन्ड देखिए, और चार नंबर पे डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे वन फोर, टोटल कार्बन की संख्या छः, छः का क्या होता है, हेक्स, तो हेक्सा दो है तो डाई, हाँ दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का इन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा डाइन, थ्री इथाइल
1,4-hexadiene। बातें समझ में आ रही होगी उम्मीद है। नीचे आइए इसमें, हाँ ये साइकिल है, साइक्लो में है, है ना। तो हम जो है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड से ही प्लस स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग के लिए, है ना। तो उस ओर से जाएंगे जिस तरफ हमको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नज़दीक मिले। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग करने का मतलब इस तरफ से जाना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, तब हम इस तरफ से जाएंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग अगर यहाँ से करते हैं इस तरफ से तो जा नहीं सकते हैं, डबल बॉन्ड मिलेगा नहीं इस तरफ, डबल बॉन्ड तो यहीं आएगा ना। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो इस तरफ से जाना पड़ेगा, तो जो इथाइल ग्रुप जो है ये वाला, ये हमको लंबा टाइम लग जाएगा मिलने में, है ना। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इथाइल ग्रुप जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नज़दीक में मिल जाएगी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो तीन नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ लिख देंगे पहले 3-ethyl। एक नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1, और साइकिल में है तो साइक्लो, है ना, 1 साइक्लो, और कितना है, 6 कार्बन का तो है ये बना हुआ है ना, तो हेक्स इन, डबल बॉन्ड का इन क्या हो जाएगा, 3-methyl-1-cyclohexene, ठीक है। चलिए इस अब वाले स्ट्रक्चर में आते हैं, तो इस वाले में स्ट्रक्चर में फिर वही बात है, यहाँ पे मिथाइल है, डबल डबल मिथाइल है ना, डाई मिथाइल है। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 नंबर पे क्या है, डाई मिथाइल, 3-3-dimethyl, ठीक है। 1 cyclo क्या हो जाएगा, हेक्सीन, बात समझ में आ रही होगी। चलिए ये हो गया, 22 साइक्लो में भी है इसका दिया हुआ, चलिए 22 साइक्लो भी देख लेते हैं। ये 22 साइक्लो में है, तो 22 साइक्लो में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए डबल बाउंड है, तो मैंने बताया था कि गिनती में 22 साइक्लो में गिनती हम कहाँ से करते हैं, टर्मिनल से यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो ये गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। यह 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इस तरीके से बताया था ना। तो देखिए 2 नंबर पर एक इथाइल ग्रुप है, क्या लिखेंगे, 2-ethyl, 2-ethyl, है ना, और क्या लिखेंगे, 2-ene, 2 नंबर पे भी क्या है, इन है, 2 नंबर पे इन है, बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, 22 साइक्लो 2-ethyl, 2-ene, 22 साइक्लो 2-1-0, पेंटेन होना चाहिए, नहीं क्योंकि इन तो यहाँ लग चुका है, तो यहाँ पेंटीन होना चाहिए था, पेंटेन होना चाहिए था, देखते हैं आगे में क्या है, उसके बाद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है ये यहाँ पे इन न लिख करके इस इन को आप हटा दीजिए, यहाँ पे बेहतर होगा, इस इन को, 2-ene को हटा दीजिए, ठीक है, और इस 2-ene को यहाँ पे कर दीजिए, 2-pentene कर दीजिए, ठीक, ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से कट कर दीजिए, कट, ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, यहाँ से कट करने के बाद क्या कीजिएगा, इसको इन को हटा देना है, इन हट गया, और इन को जो है यहाँ पे 2-pentene कर देना है, ठीक है, 2-pentene, चलिए सही हो जाएगा। अब यहाँ इस वाले नॉर्मल क्लेचर में आइए, गिनती कहाँ से करेंगे, यहीं से गिनती कर देते हैं, ठीक है, और क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11,
तो इसका देखिए कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, आठ नंबर पे क्या है, इथाइल है, और कहाँ है इथाइल है, दस नंबर पे दो दो इथाइल है, क्या लिखेंगे, आठ दस दस, तीन हो गया, ट्राई इथाइल क्या हो जाएगा, आठ दस दस ट्राई इथाइल, बाई साइक्लो, बाई साइक्लो क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो, ये कितना कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन हो गया, टू टू है ना, फाइव फाइव टू टू, बाई साइक्लो फाइव टू टू, और दो नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, टू अनडेकिन, क्या हो जाएगा, ग्यारह का अनडेकिन, बात समझ में आ रही, फिर से देख लीजिए इसको, गिनती कहाँ से किया, यहाँ से किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है नज़दीक में पड़ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, तो नज़दीक में आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ से गिनती करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस ओर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है नज़दीक में, तो एट नाइन टेन इलेवन, अब देखिए आठ और दस पे मिला करके तीन इथाइल ग्रुप हैं, तो लिखेंगे वो आठ दस दस ट्राई इथाइल, बाई साइकिल बना हुआ है, तो बाई साइकिलो है ना, बीच में कितना कार्बन है, फाइव टू टू, पहले ज़्यादा वाले लिखते हैं, तो लिखेंगे फाइव टू टू, अब दो नंबर पे क्या, डबल बॉन्ड, तो दो, टोटल कार्बन की संख्या ग्यारह, अनडेकिन, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है, यहाँ देखिए इसमें भी यही, यहीं से गिनती करेंगे, क्योंकि दो नंबर पर इथाइल ग्रुप है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, अभी इस ओर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है नज़दीक में पड़ रहा है हमारा इथाइल ग्रुप है ना, यह तो हम दाएं तरफ मुड़िए, छः सात, यहाँ तो आ गया आठ नौ, नौ कार्बन का हो गया टोटल, और बीच में कितना कार्बन है, वन टू थ्री, यहाँ दो और दो, थ्री टू टू हो जाएगा, तो लिखिए सिक्स सिक्स डाई इथाइल है ना, सिक्स सिक्स डाई इथाइल, बाई साइक्लो, थ्री टू टू, थ्री टू टू, और दो नंबर पे क्या है, डबल वन, टू नोनिन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें इसमें भी यहीं से गिनती करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे देखिए सिक्स है, यहाँ पे इस तरफ, अब किस तरफ चलेंगे, इस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ एक तो इथाइल है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी काम कर रहा है, इस तरफ जो है दो दो इथाइल है, तो नेसेसरी है कि हमको इसी तरफ जाना होगा, ठीक है, तो इसी तरफ जाएंगे, सिक्स सेवन सेवन, और फिर यहाँ अभी यहाँ सेवन से यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, कि इस तरफ जा रहे तो नहीं, ये कंप्लीट हो गया सेवन, फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, एट और नाइन, इस तरीके का इसका नंबरिंग होगा, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर यहाँ से आ गया, यहाँ सेवन हो गया, फिर ऊपर से यहाँ से आएंगे, एट नाइन, नीचे से नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहीं से आएंगे एट नाइन, क्योंकि एट नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, बात समझ में ना, तो लिखेंगे सिक्स सिक्स डाई इथाइल, सिक्स सिक्स डाई इथाइल, एट मिथाइल, आठ नंबर पे क्या है, मिथाइल, बाई साइक्लो है ना, क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, थ्री टू टू, थ्री टू टू, और दो नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, टू नोनिन, ठीक है, आज इतने ही रहने दें, कल कुछ और पढ़ेंगे।